Hi everyone, welcome to the course on geography through maps that we are doing on Unacademy today. और ये हमारा आज का जो लेक्चर है, this is going to be the fifth lecture in the series, and I am Palak Sharma. So hi, good evening Vidya, hi Hari, hi Zuhaib, I'm good, how are you? Okay, hello Arjun. I'm so sorry. Okay, so we have a hi Animesh, hi Rahul, hi Maharishi. How are you guys? Kaise hain aap log? Good evening Rahul, good evening. Hi Prakash. Hi Asfar, hi Monu, it's good evening Dheeraj, hi Ronit, hi Pankaj, hi Sona, hi Robin, hello Aryan, hi Gulshan, hi Monica, hi Shanki, hi Kamlesh, hi Raju, hi Utkarsh, hi Aisha, hi Sona, Kiran, Arun, good evening, Ritesh, hi Jaihin Zaurabh, hi Pankaj, hi Vijay, hi Aman, good evening. Okay. So that's good. Enough of highs, and जो भी सबको high नहीं हुआ उन सबको एक common वाला high, ठीक है? जिन सबका high नहीं हुआ अभी तक उनके लिए एक common high है, सबके लिए है ये high. Good. चलिए अच्छी बात है. Thank you, hello. Good to watch you here. चलिए अभी आज क्या कर रहे हैं हम? कल की class में कौन कौन नहीं था? किस किस ने continuously नहीं देखी हैं classes? जिन जिन ने नहीं देखी हैं classes continuously, उनके लिए brief idea अगर मैं दूँ तो यहाँ पे देखिए हमने Indian physiography और states को cover कर लिया है. हम maps को UPSC यहाँ cover कर रहे हैं. ये maps UPSC 2019 के लिए आपको बहुत ही अच्छा idea देने वाले हैं. They are going to give you a very excellent idea about what will be important in the Indian territory. तो India का क्या-क्या important चीजें हैं ये सब पता होना चाहिए हमें. जिनको नहीं पता जो नहीं थे it's okay, we are having an introduction right here, an introduction. तो हमने पहले India के बारे में पूरी physiography states को cover किया. फिर हमने क्या किया कि आपके जो भी rivers थे India के उनके drainage को समझा है. फिर हमने कल northeast India को समझा. हमने नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स को स्टडी करा, जानने की कोशिश करी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट जो हैं नॉर्थ ईस्ट के वो एक हमारे लिए जानना ज़रूरी है. फ्यू पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो समझ नहीं पाते नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को, याद नहीं रख पाते. सो दैट वॉज फॉर देम. उन्होंने अगर प्रॉपरली देख लिया तो दैट्स गुड. आज हमें क्या करना है, पोर्ट्स एंड कोस्टल डिटेल्स. तो इंडिया में जो भी पोर्ट्स हैं, जो भी कोस्टल एरियाज हैं, उनकी डिटेल्स को हम करने वाले हैं. डेली हम 6 PM पे मिल रहे हैं, नो अदर टाइम. हमारा डेली का टाइम 6 PM है और रहने वाला है. वी आर ऑलवेज गोइंग टू हैव 6 PM एज आर टाइम बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल टाइम जिसमें आप लोग भी शायद कम्फर्टेबल होते हैं. इट्स गुड इवन फॉर मी. तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि इन क्लासेस का PDF इतना ज़रूरी नहीं है. The PDF of these classes is not that important because if you have an atlas, you will find these things in the atlas also. तो atlas में भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो इसलिए अलग से PDF इतना कुछ important नहीं है. जो नए लोग हैं उनके लिए जो idea मैंने दिया अभी तक, आप connected रहें इस idea के साथ. Now what happens कि जब भी आप ये करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब maps याद करते हैं, जो भी करते हैं, तो इनमें ना revision ज़रूरी है. Keep on revisiting your maps, keep on visiting and revisiting. That will give you a very फेयर एंड गुड आइडिया कि क्या आपको याद हो गया, क्या नहीं हुआ. जैसे वर्ल्ड मैप के साथ आई यूजुअली डू दिस वन थिंग, आई कीप इट ऑन माई टेबल, आई सी इट वंस एंड देन आई मार्क ऑल द कंट्रीज आई हैव सीन. अब मेरी रिटेंशन पार के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी कंट्रीज याद रहती हैं. तो ये चीज़ आप इन चीज़ों के साथ भी कीजिए, स्टेट्स ऑफ इंडिया को मार्क कीजिए या पोलिटिकल और फिजिकल फीचर्स को मार्क कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को मार्क कीजिए, फिजियोग्राफिकल चीज़ें जो भी हैं, माउंटेन रेंजेस को मार्क कीजिए, रिवर्स को मार्क कीजिए, एंड देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, सो दैट वुड बी अ गुड थिंग. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी से जल्दी, ठीक है,
जो भी है अभी यहाँ पे बातें सारे डाउट्स वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं वो पता होना. इट वुड बी एक्सलेंट इफ़ यू कुड कीप अ मैप राइट नाउ, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग. यू कैन ओपन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ओपन अ मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर एटलिस पास में रखी है या फ़ोन लेके एटलिस के पास चले जाएं और एक इंडिया का मैप खोल लें, इंडिया का पॉलिटिकल मैप खोल लें, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए देखना. अब उससे पहले आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में या उससे पहले मेरे बारे में बता दूं, मैं पलक शर्मा हूं एंड आई टेक कोर्सेज फॉर यूपीएससी. आई एम एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट. आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. आईएलटीएस में आई स्कोर एन 8.5 बैंड स्कोर. आई लाइक टू रीड थिंग्स एंड आई एम ऑल्सो थिएटर एक्टर. आई एम ऑल्सो अ ग्लोबल यूथ एम्बेसडर विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड देयर वर्ल्ड विच इज़ वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑल ओवर द ग्लोब एक्चुअली. सो दिस इज़ प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट मी. आई टेक कोर्सेज और इसमें मैं बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो होलिस्टिकली कवर करने के लिए बनाती हूँ, जैसे कि कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर, कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कंप्लीटली कवरेज के तौर पे बनाई हैं. आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं, उन कोर्सेज में फ्री कोर्सेज हैं, आप उन्हें एनरोल करके उन्हें इंजॉय भी कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली क्लिक दिस फॉलो बटन. ये फॉलो बटन आएगा, इसे क्लिक करें. फिर उसके बाद बात आती है कि जो आपके एजुकेटर्स हैं यहाँ पर प्लस के ऊपर आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग द क्रीमेस्ट लेयर ऑफ एजुकेटर्स जिसमें आपको मिल रहे हैं आयुष संघी सर, जतिन वर्मा सर एंड मृणाल सर. आज आरती मैम मिल रहे हैं, मुदित सर हैं, अवधेश सर हैं, अभिषेक सर हैं, आशना मैम है, विनीता मैम है एंड देन देर इज़ योर्स ट्रूली. तो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द प्लस सेक्शन. सबसे बड़ा फायदा क्या है प्लस सेक्शन का, यू आर गेटिंग एवरी डिटेल कवर्ड इन इट. आपको सब चीज़ों का यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है. यू आर गेटिंग एवरीथिंग कवर्ड इन इट. मैं यहाँ पर कोर्सेज ले रही हूँ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. सो आई एम टेकिंग वन कोर्स ऑन कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, वन कोर्स ऑन कंप्लीट इकोनॉमी एंड वन कोर्स ऑन कंप्लीट एनसीईआरटीज. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ. अब कई लोग को ये डाउट था जो मुझे भी ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं पता था कि सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या हैं. तो देखिए, सब्सक्रिप्शन चार्जेस के लिए आपको अगर पर मंथ सब्सक्रिप्शन चाहिए, इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लिटिल हाई, विच इज़ अराउंड 7,000. लेकिन अगर आप इसी सब्सक्रिप्शन को 6 मंथ का कर लेते हैं, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू ₹55,250 पर मंथ. नाउ दैट इज़ अ गुड डील, क्योंकि कई कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मेरा खुद का जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो अराउंड 2 मंथ्स तक चल रहा है, बिकॉज थोड़ा गैप में उसको प्लान किया है, बिकॉज यू शुड हैव टाइम टू रिवाइज थिंग्स. और क्विजेज और एनसीईआरटी के लिए आपको डाउट रेजोल्यूशन के लिए भी एक फोरम मिला है. सबसे काम की बात क्या है यहाँ पे, कि आपको ये अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो थोड़ा लंबा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल. सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब फॉर 6 मंथ और यू कैन सब्सक्राइब फॉर 1 ईयर, वट एवर प्लीजेज यू, जो भी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी फ़ायदा उसी में मिलेगा. अगर आप एनरोल करा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड PALAKS27. इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, विच इज़ अ ग्रेट डील, जो कि सिर्फ इसी मंथ के लिए लिमिटेड होने वाला है मोस्ट प्रॉबेबली, एज फार एज आई नो. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग. तो आप हो सके तो इस मंथ में करा लें अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स पास आने के बाद में यू विल नॉट हैव मच टाइम टू रिवाइज थिंग्स. तो ये सही टाइम है, अगर कुछ चीज़ें खुद के लेवल पे भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि इन सेशंस को देखें एज रिविजन. यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में क्लासेज हैं. आई एम टेकिंग कोर्सेज ऑन इकोनॉमी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, और कंप्लीट कोर्सेज जो है मेरे वो बाइलिंगुअल चलते हैं, तो आप उनमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एंटर दिस प्लेस, प्लस पे क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन पे ऑप्शन पे जाइए, वहां आपको ये सब दिखाई देगा. ठीक है, बिल्कुल मनीषा, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इट वॉन्ट बी एन इश्यू. प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं आप. अगर आप अब रजिस्टर करा रहे हैं तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं PALAKS27 कोड का यूज करके. ठीक है, अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट. That is pretty much everything I want to tell to you about Unacademy Plus. तो अभी क्या करना है आपको, कि अगर आपने एटलिस खोल ली है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है. नहीं खोली है तो भी फाइन, वी विल हैव अ मैप हियर. तो पोर्ट्स और कोस्टल रीजन्स जो हैं इंडिया के, वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं. जी बिल्कुल, सारे कोर्सेज लाइव ही हैं उदित, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइव. और पेमेंट डेबिट कार्ड से बिल्कुल कर सकते हैं वैभव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करना चाहें आप. डेबिट कार्ड तो इनफैक्ट सबसे कन्वीनियंट तरीका है. इंस्टाग्राम ही डिस्कस करते रहें आप लोग, ठीक है. चलिए,
तो यहाँ पर अभी पोर्ट्स और कोस्टल रीजन्स हम कवर करने वाले हैं. गुड इवनिंग टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स कम टू द पॉइंट एज सेड. तो पोर्ट्स और कोस्टल रीजन्स जो है ना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का. ऑफकोर्स आई कैन ट्राई गोइंग फॉर इंग्लिश ऑल्सो. आई एम सो सॉरी महेश, आई जस्ट लूज माई फोकस. कमलेश, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कितना पैसा लगेगा जो देख चुके हैं हम. तो अभी हम शुरू करते हैं विद द मैटर जो करना है. तो सी, वी हैव द पोर्ट्स, वी हैव द कोस्टल रीजन्स इन अ कंट्री. नाउ ये जो जगह होती हैं इनका अपना एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है. जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यहाँ हमें दिखता है, दिस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज टोटली कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ ट्रेड. तो ये ट्रेड से कनेक्टेड है टोटली. ठीक है, मैप प्रैक्टिस के लिए आप एटलस ले लीजिए. ठीक है, हाँ चलिए. तो अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या देखा. अगर आपको याद हो कि इंडिया जो था सबसे पहले कौन से फॉरेनर्स या कौन से यूरोपियंस थे जो इंडिया आए थे. विच यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉरमोस्ट? इंग्लैंड वाले लोग आए थे कि फ्रेंच आए थे कि डच आए थे? Any idea, anyone? कौन सबसे पहले आए थे इंडिया? पोर्चुगीज आए थे. परफेक्ट. डच कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, डच नहीं आए थे, पोर्चुगीज ही आए थे. एक रफ और ऐसा मैप बना देते हैं. और नाइस मैप तो मिट गया. पोर्चुगीज आए थे, बिल्कुल. देखिए ऑर्डर याद करना है ना, तो ऐसे याद करना, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, सेकंड आए थे आपके यहाँ पे डच, फिर आए थे आपके पास इंग्लिश, और फिर आए थे आपके पास कौन, फ्रेंच. फ्रेंच जो थे ना वो सबसे पहले, सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले भाग गए थे. और पोर्चुगीज जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी तक टिके थे. तो इसलिए पोर्चुगीज क्या करना जरूरी है. डैनिश लोग जो थे, डैन्स जो थे, वो भी इंडिया आए थे. ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे इधर की तरफ पोर्टुगल है. दिस इज पोर्टुगल. अब पोर्टुगल से क्या था कि इधर की तरफ था एक एम्पायर जिसे हम बोलते हैं ओटोमन टर्की एम्पायर, ओटोमन एम्पायर. ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर जो था ना वो रास्ता रोक रहा था. ठीक है, वो यहाँ पर यूरोपियंस को सीधे नहीं आने दे रहा था. दे वर नॉट अलाउड टू कम डायरेक्टली टू इंडिया, क्योंकि क्या था, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही थी कि इस जगह पर ये बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, जैसे अभी नहीं होते अपने टोल नाका होता है जहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे सेम चीज़ थी. ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट देर आर लॉट ऑफ टोल टैक्सेस कमिंग इन बिटवीन फ्रॉम द सी रूट. सी रूट क्या, लैंड रूट. तो पर्जिया आ रहा था बीच में, बहुत सारी जगह आ रही थी, तो लैंड रूट जो था ना वो प्रॉपरली नहीं चल रहा था. तो दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, कोशिश की गई कि पोर्चुगल से आप एक सी रूट ढूंढें. तो जब यहाँ पे ऑटोमन टर्की आ गया, ऑटोमन टर्की का एम्पायर बन गया, तो अब यहाँ पर कोशिश की गई कि अब रास्ता लैंड से नहीं हो पाएगा, वी वुड हैव टू ट्राई समथिंग फ्रॉम द सी. तो वास्को डी गामा को भेजा गया यहाँ पे और वो पहुँचे इस जगह पर. नाउ दिस वॉज द प्लेस वेयर दे वर होपफुल कि उनको रास्ता मिल जाएगा आगे का, ये वो जगह थी. इसलिए इस जगह का नाम हो गया केप ऑफ गुड होप. ठीक है, इधर की तरफ जब वो आ गया है तो जैमुरिन जो है यहाँ पे वो रूलर था इस जगह पे, जिसने उनको ट्रेड की परमिशन दे दी थी, और उनको यहीं पर मिल गए थे एक और ट्रेडर. ठीक है, तो वो ट्रेडर जो थे वो उनको साथ लेके चले गए कि चलो इंडिया तक आ जाओ. इंडियंस कैसे होते हैं, एकदम ऐसे घुलने मिलने वाले कि अच्छा चलो यहाँ पे इंडिया जाना था, चलो मेरे साथ चल, चलो मैं भी इंडिया ही जा रहा हूँ. तो इस तरीके से वो लेकर चले गए वास्को डी गामा को इंडिया में. अब वास्को डी गामा ने जब इंडिया का रूट डिस्कवर किया और जब वो इंडिया आए थे, ही ब्रॉट अ लिटल अमाउंट ऑफ थिंग विद हिम. बहुत कम चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन व्हेन ही वेंट बैक
ही टुक बैक 60 टाइम्स ऑफ व्हाट ही केम विद, जो लेकर आए थे उसका 60 गुना अमाउंट या शिप्स जो थी वो साथ लेकर गए थे. तो ये जो आइडिया था कि पोर्ट्स जो हैं या कोस्टल रीजन्स जो हैं वो कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये बताने के लिए यहाँ पे मैंने दिया था कि क्या सीन चल रहा था. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोस्टल रीजन्स की जो सिग्निफिकेंस इंडिया में है वो इसलिए भी आती है क्योंकि इंडिया के जो सारे के सारे रीजन्स हैं इस तरीके के वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं. मतलब जो कोस्टल रीजन्स हैं आपके, उन एरियाज़ में हर तरीके का कल्टीवेशन, चाहे वो स्पाइसेस का हो, चाहे वहाँ पर आपकी सिल्क, या ऊपर वाले एरिया में जाएं हम पेनिनसुलर इंडिया वाले एरिया में, तो वहाँ पर हमको कॉटन कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग मिलता है. तो यहाँ पर इसलिए आपका सारा का सारा काम जो है वो क्लियर कर दिया गया, यानी कि कोस्टल रीजन जो था यहाँ पर लेकर आया गया या यहाँ पर एंट्री ली गई क्योंकि दिस रीजन वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिच रीजन्स इन द कंट्री. अब ये मैप हम पहले फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं वैसे, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट फॉर योर सेक. जो लोग नहीं थे उस क्लास में उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पे रीजन्स हैं, कौन कौन से जो आपके कोस्ट्स हैं वो किस किस नाम से फेमस हैं. तो पहला जो ऊपर ही ऊपर का कोस्ट है वो है हमारा काठियावाड़ वाला. काठियावाड़ क्या होता है, जो गुजरात का रीजन होता है वहाँ पे काठियावाड़ी प्रिंट जो है या एम्ब्रॉयडरी जो है दैट्स क्वाइट फेमस. ओके, सो यहाँ पर हमको पता है दैट काठियावाड़ कोस्ट हैज़ अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत के समय पे. यानी कि हमें क्या पता था कि सूरत जो जगह थी वो जगह से फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई थी फॉर अ लॉट ऑफ फॉरेन पावर्स. बहुत सारी फॉरेन पावर्स ने अपनी फैक्ट्रीज बनाना सूरत में शुरू किया था. दैट मीन्स काठियावाड़ हैज़ बिन इम्पॉर्टेंट सिंस हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकल तरीके से इम्पॉर्टेंट रहा. तो काठियावाड़ जो पेनिनसुला है वो हमारे पेनिनसुला क्या, यहाँ पे पेनिनसुला भी है, काठियावाड़ में पेनिनसुला भी है. वॉट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला मतलब कि कोई समुद्र में एक्सटेंडेड रीजन. ठीक है, मतलब किसी भी रीजन को अगर आपने समुद्र में एक्सटेंड कर दिया है और उसके चारों तरफ समुद्र नजर आ रहा है, चारों तो नहीं, तीन चार तरफ आपको समुद्र दिख रहा है तीन तरफ, तो वो बन जाता है आपका पेनिनसुला रीजन. तो काठियावाड़ कोस्ट जो है वहाँ पर काठियावाड़ पेनिनसुला है अंदर की तरफ, और जो रीजन है ये कोस्ट वाला इसको हम कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट. तो हम पहले के पहले सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट और फिर सारे के सारे ईस्टर्न कोस्ट याद करेंगे. तो पहला कौन सा याद करने की चीज़ हो गई, काठियावाड़ कोस्ट. हमने जब फर्स्ट टाइम याद किया था तो हमने याद किया था कि जो ड्रेसेस पहनते हैं ये लोग गुजरात में उन्हें काठियावाड़ी ड्रेसेस कहते हैं. जो इस तरीके की ड्रेसेस होती हैं जो मेन भी पहनते हैं, एंड लॉट ऑफ विमेन आल्सो वेयर इट. तो ये जो काठियावाड़ वाला ड्रेस होता है दैट इज प्रीटी फेमस, इस तरीके का ड्रेस होता है. तो काठियावाड़ी ड्रेस जो है उससे हमें काठियावाड़ कोस्ट याद कर लेना है. बिल्कुल, तो तीन तरफ होता है पानी, इसलिए काठियावाड़ जो है वहाँ पे पेनिनसुला भी है और ये कोस्ट भी. ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो हमें मिलता है कोंकण कोस्ट. अब ये जो है कोंकण इसलिए कहलाता है, क्यों कहते हैं इसको हम कोंकण कोस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कोंकणी लैंग्वेज है इधर की तरफ वो बोलने वाले लोग दिखते हैं. फिर आता है कन्नड़ कोस्ट. ठीक है, और फिर है कहते हैं हम कन्याकुमारी कोस्ट. अब ये बहुत डीप डिवीजन है. हम क्या मानते हैं, ऊपर तो है आपका कोंकण और नीचे है मालाबार. तो कन्नड़ को मिला के या जो आपका कन्याकुमारी कोस्ट है उन दोनों को मिला के हम बनाते हैं मालाबार कोस्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये मालाबार कोस्ट वाला एरिया. फिर आप आते हो इस तरफ यानी कि ईस्टर्न साइड में. अब ईस्ट में क्या सीन है, नीचे मिलेगा आपको कोरोमंडल कोस्ट जो कि पूरे तमिलनाडु के एरिया को कवर करता है. फिर आपके पास ऊपर आता है आंध्रा का कोस्ट और उसके ऊपर है उत्कल कोस्ट. आंध्रा के कोस्ट को इस जगह पर नॉर्दर्न सिरकार्स भी कहा जाता है. और अगर आप में से कई लोग जानते होंगे कि उड़ीसा का पिछला नाम, पहले का नाम था उत्कल, ऐसा कहा जाता है. जैसे आपको जनगण मन में भी आता है द्राविड उत्कल बंगला, तो ये जो उत्कल है ये उड़ीसा यानी इस रीजन का पहले का नाम था. तो उत्कल रीजन जो है इसीलिए यहाँ पे इसका नाम जो है कोस्ट का वो उत्कल कोस्ट कहा जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे पूरा उत्कल वाला एरिया, जो भी मतलब एक बेसिक एरिया पूरा का पूरा कोस्ट का. कोस्ट की डिवीजन ऐसे याद रखनी है. ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि कोस्टल डिविजन्स जो हमने किए अभी अभी उसमें हम क्या सीन देखते हैं. देखिए, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में वो कुछ कुछ कोस्टल स्टेट्स में आते हैं. आपको एक अच्छा फेयर आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं. तो हमको क्या क्या पता है कि गुजरात एक कोस्टल स्टेट है, महाराष्ट्र,
यहाँ तो पूरा सीरीज में चल रहा है, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, ऐसा का ऐसा यहाँ पे पूरा चेन है। जब हम बात करते हैं बेसिक इस एरिया की, तो हमको पता है कि जो बेसिक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वो यहाँ आते हैं। अब 250 मिलियन जो लोग हैं वो इन 50 किलोमीटर के कोस्ट के अंदर अंदर रहते हैं। यानी कि 50 किलोमीटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोस्ट लाइन 50 किलोमीटर है, उसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंशन है ऐसा, ये 50 किलोमीटर का है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 3600 फिशिंग विलेजेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। 12 हमारे पास मेजर पोर्ट्स हैं, 185 हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं, और यहीं पर आता है हमारा मैंग्रूव का एरिया जो कि है 4120 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महेंद्र, 2021 बैच के लिए कोई अलग क्लासेस शुरू नहीं होने वाली हैं, दिस इज अभी तो नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इसमें हेल्प करने वाली हैं। मे बी इट्स 2021, 2020 या 2019, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज इंडिया की ज्योग्राफी बदलने वाली नहीं है। मतलब महाराष्ट्र अभी तो गुजरात के ऊपर नहीं जाने वाला, तो अभी तो यही रहने वाली है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन स्टडी इट। फिर अभी हम बात करते हैं कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं कौन से, विच आर द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये जो 12 पोर्ट के हमने अभी नाम दिए या नाम बोला हमने कि 12 पोर्ट हमारे मेजर पोर्ट हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो है आपका जो सबसे ऊपर आता है, गुजरात में कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है वो कॉटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कांडला पोर्ट जो है उसको आप कॉटन, या हम बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। और उसके बाद हमने देखा, नहीं क्वांटिटी लर्न करना एसेंशियल नहीं है गीतांशु, केवल आइडिया के लिए दिया है, ठीक है। केवल मतलब न्यूमेरिकल्स जो है दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा मतलब एक बेसिक उससे चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल। वाटरवेज भी होंगे इसका पार्ट। फिर आते हैं आपके पास मुंबई के पोर्ट। अब मुंबई जो है वो हम बोल सकते हैं कि, अच्छा मुंबई कब आया था यहाँ पे, इंग्लिश लोगों को कैसे मुंबई मिला। मुंबई जो था ना, बॉम्बे यानी कि, वो पहले पोर्चुगीज का था। बॉम्बे बिलोंग्स टू पोर्चुगीज एक्चुअली इनिशियली, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने देखा कि जब पोर्चुगीज प्रिंसेस की शादी हुई थी चार्ल्स द सेकेंड से, तो डाउरी में उनके यहाँ भी दहेज का कल्चर था, ये मुझे यहीं पे पता चला था कि उनको डाउरी में मिल गया था बॉम्बे, तो उन्होंने चार्ल्स सेकेंड को गिफ्ट किया। अब चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड के थ्रोन पे बैठे बैठे बॉम्बे का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो कंपनी को दे दो, अपनी कंपनी है वहाँ पे, अपनी कंपनी इन्जॉय कर लेगी। जैसे ऐसे कई लोग होते, अपने बच्चे को दे दो यार, वो मज़ा कर लेगा। तो वैसे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जाकर और डाउरी में जो चार्ल्स सेकेंड को मिला हुआ था उसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो इसे यूज़ करने लगी, और ये पोर्ट पोर्चुगीज से निकलकर आ गया किसके पास, इंग्लिश के पास। ये उस इसमें मुंबई जो है ना, बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आर्किपेलागो। डू यू नो व्हाट इज़ एन आर्किपेलागो? जब इसको दिया गया था तो ये आर्किपेलागो था। व्हाट इज़ एन आर्किपेलागो? इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी जो भी आपके द्वीप होते हैं उनका समूह होता है। तो मुंबई जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स। बॉम्बे जो डाउरी में दिया था वो 7 आइलैंड्स का जो कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, समूह था। इट वॉज अ समूह, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था। हम बात करेंगे कृष्णा उसके बारे में भी, वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, जिसे आपने किसी और नाम से भी पढ़ा होगा या सुना होगा, नुआवा शेवा। आई एम यूजिंग इंग्लिश टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम कमलेश, आई एम सेइंग इट इज एन आर्किपेलागो और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, आई थिंक यू शुड बी कम्फर्टेबल इन इट। सी रेणुका, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड दैट वॉज बेसिकली अंडर द एजिस ऑफ द पोर्चुगीज पीपल, बट देन इट वॉज गिवन इन डाउरी टू चार्ल्स द सेकेंड, हु इज द किंग ऑफ इंग्लैंड, हु देन गेव इट इन सम काइंड ऑफ ग्रांट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो नावा शेवा नाम है आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसको अच्छे से पता है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा कर रहे थे क्या पिछले साल? वर वी एक्सेलेंट देयर? अच्छा परफॉर्मेंस किया था ना हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में?
तो ये तो अभी ना हमने हिस्ट्री की बात की, लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. जो आपका नावा शेवा का पोर्ट है, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इट इज़ सेड दैट दिस पोर्ट हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग आर रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है उसमें JNPT जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्गो रेट्स जो थी, कार्गो क्या होता है, आप सामान जो भेज रहे हो, तो कार्गो रेट्स को यहाँ पे बहुत रिड्यूस कर दिया गया है ऑन द JNPT आइलैंड. तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का जो आइलैंड कह रही हूँ मैं भी, पोर्ट आई मीन द पोर्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो JNPT जो है वहाँ कार्गो रेट्स को बहुत कम कर दिया, विच वॉज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्रेडिंग. तो क्या हुआ, जो फॉरेन शिप्स जो हमारे यहाँ से जाना चाहती थी, वेसल्स जाना चाहती थी, तो उस वजह से इसे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट माना गया है. अच्छा, एक और चीज़, क्या छाबहर पोर्ट कहाँ पे है हमारा, जो हमने बनाया है मिलके किसी के साथ, वेयर इज़ द छाबहर पोर्ट? छाबहर कहाँ है? ईरान में. ठीक है, अब छाबहर में क्या हुआ है, देखो कि छाबहर के साथ हमारा 26 फरवरी को हम बोल रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट छाबहर डे. हैव यू हर्ड ऑफ दिस न्यूज़? सुना है क्या कि छाबहर डे मनाने वाले हैं हम 26th ऑफ फरवरी को? दैट इज़ क्वाइट इन न्यूज़ आजकल. जी जी जी, इंडिया की डील थी ईरान के साथ, बिल्कुल छाबहर पोर्ट उसी में बनाया गया था, और हमें अफगानिस्तान यानी सेंट्रल एशिया तक का रूट मिल रहा है छाबहर पोर्ट की मदद से. और छाबहर जो है उसका बहुत स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस है हमारे लिए. तो हम छाबहर डे मनाने की बात कर रहे हैं, और वो डे 26 फरवरी को मनाया जाएगा मोस्ट प्रॉबली, कीपिंग इन लाइट एवरी थिंग दैट इज़ हैपनिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अगला पोर्ट जो हमने देखा था, ये तो बात हुई छाबहर की, अगला पोर्ट हमारे पास है मार्मुगोवा. ये जो पोर्ट है ये गोवन लैंडस्केप में आता है, कर्नाटका में जो मिनरल्स मिलते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ इस पोर्ट को, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पोर्ट यूज़ करा जाता है. फिर आता है मैंगलोर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी हम ना एक एक करके सबको पढ़ेंगे, अभी लोकेशन देख लो इनके दिमाग में, फिर इनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे. फिर आता है कोचिन. तो कोचिन ना पहले के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंस था, जो बाहर से लोग आ रहे थे ना, एवरीवन वाज कमिंग टू कोचिन सबसे पहले. तो कोचिन में ही वास्को डा गामा आए थे, आए तो क्या थे, मतलब दिस वाज वन ऑफ द एंट्री प्लेसेस. तो ये जो जगह है ना कोचिन वाली, इट हैज़ बिन द गेटवे टू इंडिया. अच्छा, कोचिन जो है वहाँ स्पाइसेस का बहुत ट्रेड होता था पहले. मतलब देखो, यूरोपियंस के इंडिया आने से पहले ऐसा नहीं था कि वी वर नॉट ट्रेडिंग विद यूरोपियंस, ऐसा नहीं था कि उनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं था. दे हैड ऑलरेडी टेस्टेड आर गुड्स, उनको पता था कि हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है, क्योंकि उन्हें अरेबियंस के रस्तों से वो गुड्स 10 गुना महंगी कीमत में मिलते थे, पर मिलते तो थे. दे हैड अ फेयर आइडिया ऑफ वॉट वी हैड इन इंडिया. तो कोचिन इज़ वन ऑफ द प्लेसेज वेयर यू फाइंड एक्सेलेंट स्पाइसेज, दैट इज़ द रीज़न वाई इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. फिर चुटिकॉरन का पोर्ट है, जो कि आपका मेड्रास के पास में पड़ता है. फिर एग्जैक्टली ऑयल रिजर्व्स जो हैं स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है मैंगलोर के पास में, जहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने आई गेस अक्टूबर या नवंबर के समय में एक ऑक्शनिंग भी रखी थी, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कहा गया था कि वो रिफाइनरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करने आए. सो दैट वॉज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. फिर चुटिकॉरन के ऊपर जो है आपका आता है चेन्नई का पोर्ट. चुटिकॉरन के पास नहीं, मेरा मतलब था चुटिकॉरन के नीचे. चुटिकॉरन जो था चेन्नई के पहले, आपके पास आता है चुटिकॉरन पोर्ट, फिर आता है चेन्नई का पोर्ट, उसके ऊपर है विशाखापट्टनम. इसको विजैग भी बोलते हैं कई लोग, या वाइजैग जो भी कहते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, दैट वॉज इन एंग्लिसाइज्ड वर्जन. फिर पैरादीप का पोर्ट है, फिर कैलकटा वाला पोर्ट है, जिसे हल्दिया के नाम से भी जानते हैं. अब हल्दिया भी है मतलब एक. तो अभी हम एक एक करके सारे पोर्ट्स देखते हैं. पहला पोर्ट है आपके पास कांडला पोर्ट. तो ये जो मेजर सी पोर्ट है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट का, ये सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कच्छ पे, और ये गांधीधाम सिटी जो है उसके पास में है. फिर जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या कहते हैं, ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था इंडिया का भी और एशिया का भी. व्हाट इज़ दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन? देखो क्या होता है कि हमने कुछ एरिया जो है असाइन कर दिया डेवलप करने के लिए. तो उस एरिया में क्या हुआ कि इस एरिया में आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जो
बेसिकली इस एरिया में आती नहीं अगर यहाँ एग्जेम्पशन नहीं मिलते, तो यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आप मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्पशन मिल जाए, आपको पावर का इजी सप्लाई मिल जाए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के पीछे मकसद ये होता है दैट दीज आर मेड टू डेवलप द मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे नहीं आ रहा हो सपोर्ट वहाँ के लिए, ठीक है। इट इज़ द एंग्लिसाइज्ड वर्जन, यानी इंग्लिश तरीके का वर्जन जो होता है ना, इट्स द एंग्लिसाइज्ड वर्जन। चलिए फिर ये बात हुई कांडला पोर्ट जो है, यहाँ पे इम्पोर्ट्स आते हैं पेट्रोलियम के, केमिकल्स के और आयरन के भी आते हैं। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स के मेनली होते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं आपके पास ग्रेन्स के, सॉल्ट के, और ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट्स में से है। और गुजरात में ही हमें एक और पोर्ट मिलता है मुंद्रा पोर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइवेट पोर्ट इन द कंट्री। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक जो है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, तो आप जीसी लियोंग पढ़िए, और उस ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी वो परफेक्ट है। अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है तो माजिद हुसैन वुड बी द परफेक्ट बुक, ठीक है। फिर आपके पास आता है धावा शेवा पोर्ट, जो कि JNPT भी है। ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर जो कंटेनिंग कैपेसिटी है कार्गो की वो काफ़ी ज़्यादा है। कोंकण एरिया पे है, वो हमने देख लिया था, नवी मुंबई के साथ में ही हमें दिखता है कहीं पे। और जवाहर नेहरू पोर्ट जो है, इसे बोल सकते हैं कि ये अरेबियन सी का किंग पोर्ट है, ठीक है। किंग पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको जो भी सारे के सारे ट्रेड के वॉल्यूम दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंटरनेशनल कार्गो का जो ट्रैफिक है ना, वो यहाँ सबसे ज़्यादा आता है, और डोमेस्टिक कार्गो ट्रैफिक भी। मेजर एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम यहाँ से, वही चीज़ जो महाराष्ट्र में बेस्ट मिलेगी हमको, यानी टेक्सटाइल्स भेज रहे हैं हम, कारपेट्स या बोनलेस मीट और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेज रहे हैं। हमारे इम्पोर्ट क्या है, हमारा इम्पोर्ट है मशीनरी जो हमारी ज़रूरत है, वेजिटेबल ऑयल्स और केमिकल्स। केमिकल्स भी हमारे एक मेजर इम्पोर्ट का पार्ट होते हैं। फिर आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट को क्रूज टूरिज्म के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है। मुंबई पोर्ट लोकेटेड कहाँ है, मुंबई पोर्ट जो है वो आपके वेस्ट मुंबई एरिया में पड़ता है। यहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट का बहुत मैक्सिमम ट्रेड है वो होता है, और ये इंडिया का ऐसा पोर्ट है जिसमें नॉर्मली आपको जो वाटर मिलता है पोर्ट्स का, उससे ज़्यादा डीप वाटर मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डीप वाटर हार्बर। हार्बर क्या होता है कि देखो, अगर कहीं से कोई शिप आ रही है, मान लीजिए कि दो चार शिप्स आ रही हैं कहीं से, इधर आपका पोर्ट है, यहाँ पे लाइट हाउस बना दिया एक पोर्ट का। अब क्या होगा कि ये शिप जब आएंगी ना, तो कहाँ कहाँ आके रुकेंगी, ये पोर्ट की ज़मीन यहाँ से शुरू है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एरिया बने होते हैं जैसे बंदरगाह जिसे कहते हैं, तो शिप आएगी और इस एरिया में खुद को फंसा देगी, यानी लैंड जो है, पत्थर जो है, वो इसके आसपास सिचुएटेड है। तो ये हार्बर होता है, तो नेचुरल हार्बर जहाँ मिलता है ना वो अच्छा रहता है, नेचुरल हार्बर इज़ रियली गुड। तो इसीलिए नेचुरल हार्बर के लिए यहाँ पर ये एरिया बना हुआ होता है, तो आपको मुंबई पोर्ट में अच्छा एरिया मिल जाता है इस तरीके का, ठीक है। और टेक्सटाइल कपड़ा होता है, फाइन। तो अब क्या हुआ, मुंबई पोर्ट जो हो गया वो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, बल्क कार्गो ट्रैफिक लेता है, और यहाँ पर आपको लिक्विड केमिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और जो आपका नेवा शवा पोर्ट है, उससे आना जाना यहाँ पे चला रहता है, ठीक है। सो एवरीथिंग कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग, जो आपस का ट्रेड भी इनका काफ़ी चलता है। फिर गोवा में है मारमेगाओ पोर्ट, ये गोवा का मेन पोर्ट है। ये जो है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल हार्बर्स दैट इंडिया हैज़ गॉट, जो कि साउथ गोवा में लोकेटेड है। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ बिन देयर, यू मस्ट हैव सीन दिस प्लेस। मारमेगाओ पोर्ट जो है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्टर पोर्ट्स इन इंडिया। दैट मीन्स कि ये जो जगह है, इट गिव्स यू द बेस्ट काइंड ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन ओवर एक्सपोर्ट। फिर रॉ मटेरियल्स को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर ये जो पोर्ट है, ये गोवा में एक टूरिस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ यू नो, यू कैन से कि दिस हैज़ बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट ऑल्सो। देन वी ऑल्सो हैव वास्को डा गामा सिटी विच इज़ लोकेटेड राइट नियर इट, एंड वी ऑल्सो हैव द एयरपोर्ट ऑफ डाबुलिम विच इज़ सिचुएटेड नियर इट। और तो इसलिए क्या है कि पास पड़ते हैं, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल हियर। कोई जाए अगर गोवा, प्लान बनाए, तो डू गो फॉर दिस प्लेस ऑल्सो, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। फिर जो गोवा का नेचुरल हार्बर है, ये इंडिया के सबसे पुराने मॉडर्न पोर्ट्स में से है। मतलब पुराना होते हुए भी ये मॉडर्नाइज्ड पोर्ट है, ठीक है। सो इट इज़ अ मॉडर्नाइज्ड पोर्ट डिस्पाइट बीइंग वी कैन से कि डिस्पाइट बीइंग अ काइंड ऑफ पुराना पोर्ट, ठीक है। फिर आपके पास आता है यहाँ पर अगला
पालमपुर पोर्ट, ठीक है, ये है कर्नाटका में, ये एक जिसको अभी हम कहते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट, इसका पुराना नाम था पालमपुर, ये सी पोर्ट है, ये रेलवे स्टेशन के पास में ही है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और डीप वाटर पोर्ट है, ये ऑल वेदर पोर्ट है, ऐसा नहीं है कि इस सीजन में चलेगा उस सीजन में ख़त्म हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। और ये अकेला ऐसा मेजर पोर्ट है कर्नाटका का जिसको ये ऑल वेदर पोर्ट होने का टाइटल मिला हुआ है और इंडिया के भी लार्जेस्ट पोर्ट्स में से आता है। फिर हमारे पास ये जो एक्सपोर्ट की कमोडिटी है यहाँ पर वो मिलती है मैंगनीज, फिर ग्रेनाइट, स्टोन्स, कॉफ़ी, कैश्यू, ये ऑफकोर्स कॉफ़ी और कैश्यू यहाँ के बेस्ट प्रोडक्शन है तो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इंपोर्ट में क्या लाते हैं, टिम्बर के लॉग्स लाते हैं, एलपीजी आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, कार्गो के कंटेनर, देखो जो आपके सारे वेस्ट कोस्ट पड़ेंगे ना, ये जो इस तरफ वाले सारे कोस्ट होंगे ना, यहाँ से तो डेफिनेटली आप देखोगे कि सारा का सारा वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको हम, पेट्रोलियम, ठीक है। आई एम सो सॉरी, दिस कॉमेंट्स आर सो डिस्ट्रैक्टिंग समटाइम्स, इट्स ओके लक्ष्मी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, आई विल कीप इन माइंड नाउ। बिजिएस्ट सी पोर्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड आदेश, बेस्ट नेचुरल हार्बर वैसे अभी तक जो हमें देखा उसमें मुंबई में है, लेकिन आप बोल सकते हो हल्दिया में भी अच्छा नेचुरल हार्बर है। ठीक है, फाइन, चलिए अगली चीज देखते हैं, कोचिन एयरपोर्ट। अच्छा, ये मैरमेगाव जो, आई मीन सॉरी, मैंगलोर जो है, इट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल बीच, तो बीच भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे पास में। फिर आता है केरला, तो कोचिन पोर्ट जो है यहाँ पे, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स है, अरेबियन सी इंडियन ओशन के बीच में बहुत सही जगह लोकेटेड है, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, और ये दो आइलैंड्स हैं विलिंगडन एंड वलारपदम, उन दोनों के उस पर लाए करता है, इसमें लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, तो कंटेनर्स को एज इट इज़ आप कहीं से लेकर आते हैं और शिप्स पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसका जो यहाँ पे मैकेनिज्म है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे अच्छा है। कोची पोर्ट जो है उसको कोचिन शिपयार्ड, कोची रिफाइनरीज और कोची मेरियाना तीनों चीज़ों के साथ मिलके इंटीग्रेट करके रख रखा गया है, जिसकी वजह से ये एक कह सकते ना एग्लोमरेशन जैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडाज। कोची सिटी जो है वो अपने आप में ट्रेडिशनल स्पाइसेस के लिए फेमस है, वी हैव फोर्ट कोची विच वॉज ड्यू टू द यूरोपियन कॉलोनियल्स, और यहाँ पर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ गया है विच वॉज द थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला, ठीक है। फिर वी हैव द बुक, द बुक क्या आप लोग क्या बातें कर रहे हैं ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। नो आई डोंट ऑलवेज टेल इन हिंदी, हिंदी वालों को लगता है कि इंग्लिश में बताती हूँ, इंग्लिश वालों को लगता है हिंदी में बताती हूँ, आई ट्राई सो हार्ड टू जगल द लैंग्वेजेस बट देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई कि दोनों लैंग्वेजेस में बोलूँ। फिर आता है पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, तो पोर्ट ब्लेयर जो है अब तो ठीक है, अब तो कुछ और ही हो गई है, वहाँ पे भी चीज़ें, रोज आइलैंड जो है, हैवलॉक आइलैंड जो है, उनके भी नाम बदल गए हैं वहाँ पे, तो यूनियन टेरिटरी जो है एक अंडमान, वहाँ पर लोकेटेड है आपका पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्चर मिलने वाले पॉइंट पे है, ये इंडिया का सबसे नया यंगेस्ट सी पोर्ट है और जो हमारे 12 मेजर पोर्ट हैं उनका पार्ट है, ये अकेला ऐसा पोर्ट है अंडमान का जो मेनलैंड से कनेक्टेड है इंडिया के, फ्लाइट से भी और शिप से भी, ठीक है। फिर पोर्ट ब्लेयर जो है ये एक प्रिंसिपल हब, एक इम्पॉर्टेंट हब रहा है, जहाँ पर आप जो आइलैंड्स हैं अंडमान के उनसे शिपिंग कर सकते हो आना जाना, और टूरिज्म के लिए तो ये ऑफकोर्स फेमस रहा ही है, यहाँ पर काफ़ी सारे अनएक्सप्लोर्ड बीचेस हैं, काफ़ी सारी स्कूबा डाइविंग एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं। देन वी हैव द ट्यूटिकॉरन पोर्ट इन तमिलनाडु, ट्यूटिकॉरन जो है एक आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर पोर्ट है, जहाँ पे नेचुरल नहीं होगा वहाँ बोल दिया जाएगा, ठीक है, तो दिस इज़ अ आर्टिफिशियल पोर्ट, सो दिस इज़ अ डीप सी हार्बर, दैट मीन्स द डेप्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड हियर, डेप्थ को कंसिडर किया गया है, और ये जो है ये आपके पास यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स का एक पार्ट है, ये तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, फर्स्ट बींग ऑफकोर्स चेन्नई, और यहाँ पर जो कंटेनर टर्मिनल है वो भी काफ़ी बड़ा है। आर्टिफिशियल पोर्ट जो है यहाँ पर ये एक ऑल वेदर पोर्ट की तरह बनाया गया है और इंटरनेशनल ट्रैफिक काफ़ी आता है यहाँ से, ठीक है। फिर जो ट्यूटिकॉरन का पोर्ट है उसको आप मैरिटाइम ट्रेड के लिए यूज़ करते हो, जो भी आपका समुद्र से ट्रेड चल रहा है, वट एवर ट्रेड इज़ हैपनिंग थ्रू द सी रूट, और आप यहाँ पे पर्ल की जो फिशरी है वो भी काफ़ी सारी करते हो। पर्ल की फिशरी कैसे होती है, ऑयस्टर्स से, ऑयस्टर्स की शेल में मिलते हैं मोती, है ना,
तो ऑयस्टर्स जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में जहाँ मिलते हैं उनकी जो फिशरी की जाती है वो भी यहीं पे की जाती है, इसको पर्ल सिटी कहते हैं इसीलिए। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गेटवेज, इफ़ यू विजिटेड दिस प्लेस इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, मद्रास पोर्ट जो सबसे पुराना पोर्ट था, वन ऑफ द पुराना पोर्ट, मैरिटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू सी। फिर ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, और चेन्नई पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर आपको कार, बड़े कंटेनर्स, एक्चुअली इफ़ यू नो चेन्नई इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, डू यू नो दैट, पता है किसी को चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका प्रोडक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन हाई है, ठीक है। तो इधर क्या है, डेट्रॉइट जो है इंडिया में वो है चेन्नई, तो यहाँ ऑटोमोबाइल्स का ट्रेड काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, अ लॉट ऑफ ट्रेड विद रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स हैपेंस विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट का ये पोर्ट मिला है आपको, दैट इज गोइंग टू डेट्रॉइट जो है वो यूएसए में है, विच इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डेट्रॉइट इज अ सिटी इन यूएसए, ठीक है। तो क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन ज्यादा है इसलिए डेट्रॉइट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, राइट, एग्जैक्टली अनीश इज एब्सोल्युटली राइट। फिर हम देखते हैं चेन्नई पोर्ट जो है उसमें पूरे लाइट हाउसेज लगे हुए हैं, इंट्रा पोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, पाइपलाइंस हैं, रेलवे टर्मिनस है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड। बिल्कुल मिशिगन में है, स्टेट मिशिगन है, और वहाँ पे कैपिटल डेट्रॉइट है। फिर आता है आपके पास वाइजैक पोर्ट, ठीक है। वाइजैक पोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है देखो, ये जो पोर्ट सिटी है विशाखापट्टनम की वहाँ पर लोकेटेड है, और साउथ ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया का वहाँ पर मिलता है। फिर हमें दिखता है कि विशाखापट्टनम या वाइजैक जो है ये सबसे बड़े सी पोर्ट्स में से आते हैं, सबसे पुराना शिपयार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये केवल इकलौता ऐसा नेचुरल हार्बर है जो हमें बंगाल शोर पे मिलता है, बे ऑफ बंगाल शोर पे, उसके अलावा सारा का सारा जो है वो आपको आर्टिफिशियल ही मिला है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि काकी यहाँ पे ये समझना है कि जो नेचुरल हार्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से बे ऑफ बंगाल का एक जो इकलौता पोर्ट है वो है वाइजैग या विशाखापट्टनम। फिर काकीनाडा पोर्ट जो है वो भी आंध्रा में ही सिचुएटेड है, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, और कृष्णापट्टनम पोर्ट भी यहाँ पर प्राइवेटली बिल्ट एक पोर्ट है, ठीक है। देखिए ओल्डेस्ट पोर्ट जो है वो हम किसी एक को नाम देके नहीं बोल सकते, बिकॉज ऐसे तो फिर कोचिन सबसे पहले यूज़ हुआ था। पोर्ट सिटीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से डेवलप हो रही हैं, तो हम ओल्डेस्ट नहीं बोल सकते किसी एक को, ठीक है। We cannot call one port as being the oldest one, क्योंकि बहुत सालों से चल रहे हैं, बहुत, मतलब आप सोचो ना कि जब यहीं आए थे यहाँ पे हमारे पास पोर्चुगीज, उससे पहले भी हम अरेबिक लोगों के साथ ट्रेड कर रहे थे, एंड दैट वॉज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू द सी रूट। तो वी हैव नो फेयर आइडिया कि कौन सा पोर्ट सबसे पहले था। हम ये बोल सकते हैं दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज द ओल्डेस्ट, ये इकलौता ओल्डेस्ट है ये नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर आता है पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, तो ये जो है ये आर्टिफिशियल है, डीप वाटर पोर्ट है, ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ईस्ट कोस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है या इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है ऑफ रिवर महानदी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो पारादीप पोर्ट जो है इनका अपना रेलवे सिस्टम है, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट है यानी स्टोरेज है, फिर आपके पास नेशनल हाईवेज हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे रोड नेटवर्क को, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है, तो हल्दिया पोर्ट या कैलकटा पोर्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है जो हुगली रिवर में है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, मतलब ट्रेड का जोन है, ट्रेड सेंटर है। तो इससे क्या होता है कि आपको सारा का सारा जो बल्क कार्गोज हैं जो पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल्स या ऑयल से जाते हैं वो यहाँ से आते जाते मिलते हैं। फिर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि यहीं पर पोर्ट ऑफ कोलकाता पे ही आपको मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेड ऑफिस है या बेस है वो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बेस है वो पोर्ट ऑफ कोलकाता पे सिचुएटेड है। ये हमारे पोर्ट्स को ख़त्म करता है यहाँ पे। हम एक बार सारे पोर्ट्स की सिचुएशन देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पोर्ट हैं,
फर्स्ट वन कांडला, सेकेंड वन मुंबई, थर्ड वन जे एन पी टी, फोर्थ वन मार्मुगुआ, देन वी हैव फिफ्थ वन इज मैंगलोर, कोचिन, चूटीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, देन वी हैव पैरादीप एंड देन वी हैव कैलकटा. तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम भी पढ़ा है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पर कवर किया है जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसको भी एंड पोर्ट ब्लेयर पोर्ट. ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर का जो पोर्ट है वो यहाँ मैप में नहीं है, बट वी ऑलरेडी नो कि पोर्ट ब्लेयर जो है इट इज़ समवेयर हेयर. यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, दैट मेक्स इट 12. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड नाउ. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम कोस्ट को डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लें, अगर आपने सुना है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा डिफिकल्ट टू रिमेंबर लग रहा है क्या? आर यू फाइंडिंग इन डिफिकल्ट? आई थिंक कि इतना तो हमने बचपन से किया है ना, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. देखिए एनोर है, बिल्कुल है. ठीक है, लेकिन हम मेजर पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे माइनर पोर्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं. अच्छा, इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट विद सम ट्रिक, आई कैन मेक अप अ स्टोरी. आई एम क्वाइट गुड एट डूइंग इट, सो आई कैन डू इट. इफ़ यू वॉन्ट इट वी कैन डू इट. चलो स्टार्ट करते हैं, तो फिर स्टोरी बनाना. चलिए, तो देखो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा था कांडला. ठीक है, ऐसे गुजरात में रहता था. नाउ व्हाट हैपेंड, कांडला वंस डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू कम टू मुंबई. तो यहाँ पे क्या सोचा कांडला ने, लेट्स पैक आवर बैग्स एंड गो टू मुंबई बिकॉज ही हैड दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग ग्रेट. तो उसने क्या किया, ही केम टू मुंबई एंड देन ही डिसाइडेड दैट ही विल एक्ट इन मूवीज. तो उन्होंने जब पहली बार उनको रोल मिला तो ही गॉट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन वन मूवी. सो व्हाट हैपेंड कि अब दोबारा रिवाइज करेंगे एक बार. कांडला वॉज अ किड एंड ही वेंट टू मुंबई बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम समवन ग्रेट. उनको बड़ा आदमी बनना था, ही वॉन्टेड टू एक्ट इन मूवीज. सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड एक्ट और उनको वहाँ जाकर रोल मिला जवाहरलाल नेहरू का. फिर क्या हुआ, वहाँ से उनको लगा कि अब तो मतलब एकदम लाइफ सेट है, जवाहरलाल नेहरू का रोल मिल चुका है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज सेट. तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, फिर लेट्स गो एंड एन्जॉय इन गोवा. तो गोवा की जगह जब, बिकॉज यू नो गोवा इज़ लाइक ड्रंकिंग ड्रंक वाली जगह, तो गोवा जाके जब उनको गोवा की स्पेलिंग लिखने के लिए कहा तो वो उन्होंने क्या लिख दिया, गाओ. ठीक है, तो मार्मगाओ ऐसे याद रह जाएगा. ठीक है, माइनर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है, लेकिन दे डोंट फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आर लर्निंग. ठीक है, तो क्या हुआ, कांडला जो थे वो मुंबई आए. मुंबई आके उन्हें जवाहरलाल नेहरू का रोल मिला इन मूवीज़. ही बिकेम वेरी फेमस. ही वेंट विद हिज फ्रेंड्स टू पार्टी इन गोवा. अब वहाँ से क्या हुआ, उनको लगा कि मूवीज़ में कुछ नहीं रखा, लेट्स डू सम जॉब, कुछ रियल शिट जॉब करते हैं, लेट्स सर्च फॉर सम जॉब. तो यहाँ पर क्या हुआ, ही डिसाइडेड दैट चलो एक काम करते हैं, बैंगलोर चलते हैं. बट ही वो सो हाई, वो इतने हाई थे कि वो बैंगलोर की जगह मैंगलोर पहुँच गए जॉब देखने के लिए. तो उनको लगा कि चलो यहीं कर लेते हैं जॉब. अब मैंगलोर में व्हेन ही रीच्ड, ही डिसाइडेड दैट ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द जॉब. अब उनको वहां क्या पता चला कि इस जॉब में कुछ नहीं है. ठीक है, तो कोचिन से कुछ नहीं याद कर लो, कोचिन कुछ नहीं. ठीक है, कुछ नहीं ऐसे. तो क्या हुआ, वापस डिफाइन करते हैं पूरी स्टोरी को. कांडला वेंट टू मुंबई टू एक्ट इन मूवीज. वहां पर उनको जवाहरलाल नेहरू का रोल मिला. वो आए गोवा. इट इज गोइंग टू बी चाइल्डिश, यू नो, इट कैन नॉट बी वेरी मैच्योर बिकॉज इट्स अ स्टोरी. यू कैन नॉट टॉक अबाउट लाइक एनी मेजर स्टफ व्हेन यू मेक स्टोरीज. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ही केम टू जे एन पी टी. वहाँ पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले किया. ही देन वेंट टू गोवा बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय बट ही कुडंट गेट देयर. तो मार्मेगोवा पहुँच गए. वहाँ जाकर उनको लगा देयर इज नथिंग लेफ्ट इन मूवीज, लेट्स गो एंड गेट अ शिटी जॉब समवेयर. सो ही डिसाइडेड ही वेंट टू गोवा, ही वेंट टू बैंगलोर. लेकिन बैंगलोर तो गए नहीं बिकॉज ही वॉज सो हाई ऑन हिज वी कैन से वट एवर ही वॉज ड्रिंकिंग. ही वॉज हाई ऑन वोडका. सो ही वेंट टू मैंगलोर इंस्टेड ऑफ बैंगलोर. अब वहाँ जाके उनको लगा कि इस जॉब में कुछ नहीं है, या फिर कोचिंग चाहिए. बिल्कुल कोचिंग चाहिए यहाँ पे, डेफिनेटली सही बात है. तो कोचिंग के लिए उनको लगा कि अब कहाँ जाएँ. तो उन्होंने एक ट्यूटर पकड़ा, ट्यूटीकोरन. ठीक है, तो उनको पता चला कि कोचिंग की ज़रूरत होगी. तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक ट्यूटर पकड़ लिया. अब ट्यूटर ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये छोटी छोटी जगहों पे कुछ नहीं रखा, आई टेक यू टू बिगर प्लेस, आई टेक यू टू सम गुड प्लेस जहाँ पर तुम अच्छे से पढ़ पाओ. तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, चेन्नई चलते हैं. ठीक है, सो व्हेन दे केम टू चेन्नई, उनको लगा अब यहाँ पे आ चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट, चेन्नई इज लाइक द बिगेस्ट थिंग. अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू लाइक एंजॉय थिंग्स. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि व्हेन दे केम टू चेन्नई, दे रियलाइज कि यहाँ पे ना कुछ मतलब देयर इज गोइंग टू बी नथिंग स्पेशल. तो उन्होंने क्या सोचा, दिस गाय हु वाज कांडला, ही फेल इन लव विद दिस गर्ल कॉल्ड विशाखा.
तो उनको यहाँ पे चेन्नई में आके बड़ी सिटी में प्यार हो गया विशाखा से. लेकिन विशाखा के जो पापा थे वो थोड़े गुस्से वाले थे, तो इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की यहाँ पे कन्विंस करने की विशाखा के पापा को, लेकिन पापा जो थे उनके पैरों में गिर गए. पैरादीप में, हम मान लिया कि पैर ठीक है, तो पैरादीप में गिरने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, देर वॉज नथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. तो जो डिसाइडेड कि चलो अब भाग के एक काम करते हैं कि कैलकटा चलते हैं, तो दैट वॉज वॉट हैपेंड इन धड़क ना, तो वो कैलकटा चले गए. ठीक है, सो दिस इज़ दी एंटायर स्टोरी, आई विल रिपीट इट वंस. कांडला जो थे उनको मूवीज़ में एक्ट करने का शौक था, ही वेंट टू मुंबई, उन्हें जवाहरलाल नेहरू का रोल मिला, बट ही वॉज वेरी हाई ऑन हैप्पी, बहुत खुश हो गए. सो ही वेंट टू गोवा, देन ही डिसाइडेड कि गोवा जाके ही वॉज वेरी हाई, सो उन्होंने सोचा कि मूवीज़ में कुछ नहीं रखा, करियर बनाते हैं. सो ही वेंट टू बैंगलोर, लेकिन बैंगलोर की जगह कहाँ पहुँच गए, मैंगलोर, क्योंकि ही वॉज वेरी हाई. तो मैंगलोर जाकर उनको क्या दिखा कि मैंगलोर जाकर उनको लगा कि यहाँ पे जॉब ऐसे मिलेगी नहीं, लेट्स गेट सम कोचिंग, जैसा कि हमको बताया यहाँ पे किसी ने, वंडरफुल सजेशन. तो कोचिंग लेने की जब उनको बोला गया तो उन्होंने एक ट्यूटर पकड़ा, ट्यूटर ने कहा बड़ी सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे, तो चेन्नई गए बड़ी सिटी में, तो एक लड़की मिली विशाखा, ही फेल इन लव. अब विशाखा के पापा तो माने नहीं, पैरों में गिर गए फिर भी नहीं माने, तो फिर दोनों भाग के चले गए कैलकटा. एंड ऑफ स्टोरी. अब जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस का क्या सीन है, देखिए अभी प्रेजेंटली बिकॉज हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने मेजर पोर्ट्स को यूज़ किया है, ना कि हमने किसी माइनर पोर्ट को, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है. दोज हु आर थिंकिंग इट इज़ लेम, इट डेफिनेटली इज़ लेम. मैं बोल ही नहीं रही कि ये लेम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल लेम है. इट इज़ गोइंग टू बी लेम एंड इट इज़ नॉट अ नॉवल, इट इज़ नॉट अ स्टोरी विच इज़ बिन थॉट अबाउट. तो आपको यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी से तो याद होगा नहीं पोर्ट्स का नाम. जो मिल रहा है वो देख लें, उसको इन्जॉय कर लें, नहीं समझ में आ रहा तो इट्स फाइन, आप इसको वीडियो को बंद करके भी जा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल. टिल द पॉइंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग तब तक देखें, उसके बाद इट्स फाइन, ठीक है, इट्स ओके साहिल, यू कैन मेक योर ओन स्टोरी एंड लर्न. ठीक है, समीक्षा, दी स्पोर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई टेल यू कि हम कुछ जो माइनर पोर्ट्स हैं उन्हें भी आगे करने वाले हैं. दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज सिंपली अबाउट द आइडिया, जो आपको एक बेसिक पता हो अगर मेन वाला, तो उसके आसपास आप बाकी के कर सकते हो. पहले एक मेन आइडिया होना चाहिए कि 12-13 इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर आगे की बात आती है. ठीक है, चलिए नाउ बिल्कुल आदेश, मैं वही बात बोल रही हूँ अभी कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी पर्टेनिंग टू द मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री. यानी कि हमने बात कर ली कि क्या उनका हैंडलिंग होता है कार्गो का, या क्या उनके यहाँ पर जो रिफॉर्म्स हैं वो आ रहे हैं. तो JNPT में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कार्गो कॉस्ट को कम किया जा रहा है. दिस कोर्स इज नॉट अबाउट करंट अफेयर्स, दिस कोर्स इज अबाउट लर्निंग द मैप्स. ठीक है, तो मैप्स को पढ़ने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, नॉट द एक्चुअल सिग्निफिकेंस. हम यहाँ पे और चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं अभी, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द मैप्स ऑफ द प्लेस. तो मैप्स की लोकेशन दिमाग में बिठाने की कोशिश हो रही है. ठीक है, चलिए गुड, यस वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज. समीक्षा नो वरी, योगेश यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, यू विल फाइंड इट. And you can search me Abhinandan by searching for my name Palak Sharma. ठीक है, if you need the PDF then it is fine, I can upload it on my Facebook page, my name is Palak Sharma, you can find me right there. ठीक है, और अच्छा हाँ, ये एक string of pearls की मुझे बात करनी थी finally before we end it, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो कि string of pearls के बारे में सबको पता है, we already know कि क्या होता है. देखो क्या है string of pearls का सीन, कि चाइना ने हमारे आसपास पूरा एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है जिसमें हम खुद को अभी बहुत बंधा हुआ देख रहे हैं, वी आर क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सीन कि ये पूरा जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विच इज़ अराउंड आर नेक, मतलब हमारे पूरे हमें कवर करने जैसी चीज़ हो रही है. सो वॉट इज़ द नीड ऑफ द आर कि हम इनको यहाँ पे फाइट करें. तो देखो हमने यहाँ पे आसपास क्या क्या देखा, चाइना ने क्या क्या पोर्ट्स बनाए हैं, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे इस चीज़ का कि चाइना ने हमारे पास क्या क्या बना रखा है. तो ये हमारे पोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये उन लोगों के पोर्ट्स हैं, दैट इज़ चाइनीज पोर्ट्स. तो ये चाइना का पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये चाइना का मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, तो वो जानना ज़रूरी है हमें कि आसपास की चीज़ें क्या चल रही हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्वादर पोर्ट है, तो ग्वादर पोर्ट जो है वो हमको पता है
पाकिस्तान में है उसके लिए हमने सीपैक की बातें भी सुनी हैं, हमने वन बेल्ट वन रोड की बातें भी सुनी हैं, तो ग्वादर तो हमारे दिमाग में होगा। मैं इसको कैसे याद करती हूँ कि लेट्स कंसिडर दैट सम पीपल इन पाकिस्तान दे आर गद्दार, ठीक है, जो पाकिस्तानी भी नहीं टेररिस्ट, जो टेररिस्ट रहते हैं ना पाकिस्तान में, दे आर गद्दार्स टू देयर ओन कंट्री, वो खुद की कंट्री के लिए गद्दार हैं, हमारे लिए नहीं, वो पाकिस्तान की कंट्री के लिए भी बुरे लोग हैं, तो उनकी कंट्री में जो बुरे लोग हैं वो गद्दार, तो इसलिए वहाँ पे ग्वादर पोर्ट हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या देखा अगली चीज़, ये तो ग्वादर तो यहाँ पे है, नीचे आपके पास है हम्बनटोटा कंटेनर पोर्ट। अच्छा, हम्बनटोटा जो है ना, यहाँ पे क्या बात है कि हम्बनटोटा कंटेनर एयरपोर्ट पे इंडिया भी बहुत कोशिश कर रही है हम्बनटोटा पे थोड़ा अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि जब हमारे पास यहाँ पर मिलने आए थे, हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के, तो उन्होंने जब इंडिया में विजिट की थी तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ जो है वो के बात की थी इसके ऊपर, डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो दैट वाज अ गुड थिंग। मतलब हम्बनटोटा जो है वो हम शायद ले पाए वापस। हम्बनटोटा मैंने कैसे याद किया था मुझे नहीं पता, बट इट वाज अ फनी नेम तो इसलिए मुझे याद हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये हम्बनटोटा वाज एन इजी थिंग टू रिमेंबर, ये ठीक है। फिर आपके पास कई जगह पे सर्विलेंस फैसिलिटी भी बना रखी है इन्होंने, तो यहाँ पर बांग्लादेश में इनकी एक अपग्रेडेड पोर्ट फैसिलिटी है जहाँ पर चिट्टगोंग पोर्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। चिट्टगोंग का नाम सुना है पहले? चिट्टगोंग का नाम सुन रखा होगा ना? हाँ, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं दैट एवरी पोर्ट राइट हियर बिलोंग्स टू चाइना। चिट्टगोंग भी ले लिया है उन्होंने। फिर आपके पास यहाँ पर एक कमर्शियल नेवल बेस बना रखा है, यहाँ एक सर्विलियंस बना रखी है हमारे ऊपर। इधर की तरफ एक क्रा कैनाल है, ये जो क्रा कैनाल है ना, ये जो है ये कनेक्ट कर रही है थाईलैंड को मलेशिया से, तो जो क्रा कैनाल की जगह है उस जगह भी इन्होंने पोर्ट बना दिया है। फिर इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे म्यांमार के साथ एक सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, बर्मा या म्यांमार जो भी कहो आप, इसके साथ यहाँ सीधा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाया है। इधर यहाँ पर राइट हियर नियर वियतनाम दे हैव मेड अ हाइयन आइलैंड एयरफील्ड एंड पोर्ट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दो चीज़ें बना दी इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने एयरफील्ड भी बना दिया और यहाँ पर पोर्ट भी बना दिया। ठीक है, फिर इधर की तरफ है वुडी आइलैंड एयरफील्ड है और यहाँ पर है साउथ चाइना सी, तो हमको पता ही है साउथ चाइना सी हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो कुछ ऐसे काम करती हैं। ठीक है, इट इज़ वर्किंग इन सच अ मैनर अराउंड इंडिया, तो ये हमारे लिए एक थ्रेट है। साउथ चाइना सी यहाँ है इधर मलेशिया के ऊपर और जो आपका इधर वाला टेरिटरी है वहां पर। हाँ, मुझे आगे समीक्षा ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिफिशियल पोर्ट क्यों बनाना है ना? हाँ, आर्टिफिशियल इसलिए बनाते हैं समीक्षा क्योंकि ना आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल पोर्ट कम होते हैं हमारे पास, तो उसमें क्या है हम सारा ट्रैफिक नहीं ले जा सकते अपने ट्रेड का, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि कोई आर्टिफिशियल पोर्ट्स उठाए जाए ताकि हम वहाँ पर क्या कर सकें कि ट्रेड को, क्योंकि हम देखो जितना कंट्री को बढ़ाते जाएंगे, इकोनॉमिकली ग्रो करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमको ट्रेड करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट मीन्स कि हमको उतना ही ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि एक पोर्ट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हैंडल कर सकता, इसलिए हमने ज़्यादा पोर्ट बना दिए। ठीक है, नहीं श्रिया, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं इस पोर्ट से। यहाँ पे इन्होंने बेसिस बना रखे हैं, देखो नेवल बेस बना हुआ है, कमर्शियल नेवल बेस इस जगह पे, सर्विलेंस फैसिलिटी बनी हुई है यहाँ पर, तो बहुत सारी जगह पे ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं ना कि ये हमारे लिए एक मुश्किल की बात है। ग्वादर पे भी नेवल बेस बना दिया और सर्विलेंस बना दी है। ठीक है, तो ये हाँ जी एग्जैक्टली अंकित, आई वॉज अबाउट टू से इट कि मालदीव्स को हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, बट दे हैव ऑल्सो डन दिस थिंग फॉर मालदीव्स। जी बिल्कुल उदित, 99 ईयर्स से हम्बनटोटा उनके पास है, राइट। प्रीवियस लेक्चर की वीडियोज़ के लिए आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा एक बार, आपको यूट्यूब चैनल पे नीचे पुरानी वीडियोज़ मिल जाएंगी। देर वॉज वंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद चाइना वेन वी यूज टू वर्क टुगेदर ऑन द आइडियाज ऑफ पंचशील, लेकिन फिर क्या हुआ, दलाई लामा इंडिया आ गए और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो गए हमारे थोड़े थोड़े, सो एवरीथिंग वॉज यू नो रूइंड काइंड ऑफ। वी विल बी डूइंग दैट मेजर एयरपोर्ट थिंग ऑल्सो। I can speak both Hindi and English.
चाइना की आप क्या बात करें, चाइना ना हाईवे बनाने की बात, हाईवे क्या वाटरवे पे हाईवे बनाने की बात कर रहा है अमेरिका तक की, तो चाइना की तो ना कोई लिमिट ही नहीं है काम करने की. चाइना कैन गो टिल एनी डैम डिस्टेंस टू स्टार्ट हिज ओन मोनोपोली. आदेश कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, गवर्नमेंट अप्रूवल से बनते हैं. तो जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पोर्ट अथॉरिटी है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. आई स्टार्टेड द क्लास एट 6 PM दिव्यांशु. आई थिंक चाइना इज अ सुपर पावर राजेश, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. बिल्कुल शादन, कोशिश कर सकते हैं, कर भी रही हूँ मैं ट्राई, मैं दोनों बोलने की कोशिश कर रही हूँ. नीरज, नेचुरल आर्टिफिशियल में डिफरेंस ये है, नेचुरल पोर्ट की सेटिंग ना नेचुरली ऐसी होती है कि उसमें शिप्स आके हार्बर में लग जाएंगी एंड एवरीथिंग इज वेरी नेचुरली डिटरमिंड. लेकिन आर्टिफिशियल पोर्ट का प्रॉब्लम क्या होता है या क्या डिफरेंस होता है कि उसको ह्यूमन तरीके से कोई लैंड को तोड़ के, पहाड़ों जो क्लिफ है उसको काट के बनाया है. तो कोस्ट एरिया को कट करके जब पोर्ट बनाया जाए तो वो आर्टिफिशियल होता है. चलिए, इंडिया बिल्कुल बना सकता है लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है अभी, इंडिया की दूसरी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं. थैंक यू आयशा. परविंदर, बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन लंबा प्रोसेस है. दिव्यांशु, दैट्स अ रियली फनी थिंग टू से. चलिए चलिए ठीक है फिर. आई थिंक ऑल ऑफ द डाउट्स आर सॉल्व. हमनटोटा श्रीलंका में एक पोर्ट है, ठीक है. नहीं 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 जोहेब, आर्टिफिशियल पोर्ट्स पोर्टेबल नहीं होते. चलिए ठीक है, आई थिंक वी आर डन. टुमारो यू कैन वॉच दिस सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, यू विल फाइंड अ थिंग अबाउट इट. देखिए एक सेकेंड, फॉर टुमारो आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कल हम क्या करने वाले हैं. वन मोमेंट, टुमारो वी आर गोइंग टू कवर द मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है. मिनरल्स को कवर करने वाले हैं कल, सो यू कैन जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कम टुमारो. ओके देन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू उदित, थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. एंड वी विल वर्क ऑन मोर थिंग्स. ओके शादान, पॉइंट नोटेड. चलिए देन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू नदीम, थैंक यू, बाय.